जयशंकर प्रसाद जी अपना रचना कर्म करते थे वो कहाँ बैठ के करते थे? बैठ करके सोच करके नहीं लिखते रहे, वो जब आया मन में भीतर वो तब उसको अभिव्यक्त कर देते हैं। कामायनी के मैनुस्क्रिप्ट रखी हुई है, जो मैं आ गया लिखते गए। मित्रों नमस्कार, मेरे अपने लिए और आप सब देखने वालों के लिए भी, एक ऐतिहासिक कह लें या अप्रतिम कह लें, क्या कहें, हम हमारे हिंदी के एक महान लेखक कवि जयशंकर प्रसाद जी के घर पर हैं, पुश्तैनी घर पर हैं, उस जगह पर हैं जहां पर उन्होंने महान कृतियां रची। और उनके विषय में उनके पौत्र हमसे बात करने के लिए यहां पर हैं। और अच्छा, एक आप प्लीज़ ये बताएं कि ये किस इलाके में पड़ता है मकान, ये बनारस के गोवर्धन सराय चेतगढ़। चेतगढ़, और आपका नाम नहीं हमने पूछा। किरण शंकर प्रसाद जी। तो किरण शंकर प्रसाद जी हैं, वो हमें जयशंकर प्रसाद जी को याद करते हुए कुछ बातें बताएंगे। और जैसे ही आप इस अहाते में दाखिल होते हैं, शुरू में आपको एक शिव मंदिर मिलता है, पारिवारिक मंदिर है, और फिर उसके बाद यहाँ पर बैठना, उन्हें याद करना एक अप्रतिम अनुभव है। तो आइए हमारी जो बातचीत है आज की, वो शुरू करते हैं, प्रसाद जी के विषय में जानते हैं। और दोस्तों, ये है बहुत ही बड़ा सा, बहुत पावन सा श्री जयशंकर प्रसाद जी का घर। उनके जीवन के बारे में लिखा गया है और नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा ये लेख यहाँ पर लगाया गया है। और ये वो घर है, आप ये देखें कि इसमें रेनोवेशन है एक, बाकी नीचे वही पुराना घर है। ये पीछे का हिस्सा है और ये जिस तरह से तांबे का इतना बड़ा टब है, तो यकीनन आपका तो ये है नहीं, ये पुराने खंभे। हमें अभी बताया गया है कि जयशंकर प्रसाद जी के परिवार की जो सुंघनी साहू की जो दुकान थी तंबाकू की, वो तो अब नहीं रही, पर ये मकान है। पीछे इसका विस्तार है, प्रणाम। तो आप हमारे भारत के इतने बड़े जो कवि रहे, हमारा जो गौरव रहे जयशंकर प्रसाद जी, उनके आप पौत्र हैं, तो उनके परिवार के बारे में बताएं आप किस तरह से, मतलब उनके परिवार किस तरह का रहा। वो 37 में दादा जी का निधन होता है और 38 के जून में बाबूजी का विवाह होता है। मैं 1943 में जन्म लिया, प्रसाद जी को मैं नहीं देखा, ये मेरा दुर्भाग्य कहिए। लेकिन उन्होंने इतना तो निर्देश कर दिया रहा कि मेरा सारा अर्थ दैविक कार्यक्रम 6 महीने के बाद खत्म करके, 6 महीने के भीतर वार्षिक श्राद्ध खत्म करके ये रत्न शंकर जी का विवाह देवरिया के चंडी प्रसाद की कन्या मालती देवी से, जो मेरी माँ रही, उनसे विवाह। और उतना तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आशा सर्ग में उन्होंने लिख दिया है, जहाँ मनु को इंडिकेट करते हैं वहाँ वो स्वयं हो जाते हैं। अच्छा। देखा मनु ने अति रंजित विजन विश्व का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता सा श्रांत। इंद्र नील मणि महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका, आज पवन मृदु सांस ले रहा, जैसे बीत गया हो खटका। वह विराट था हेम घोलता, नया रंग भरने को आज प्रश्न हुआ अचानक,
और कुतूहल का तादाद। इसके बाद वो पूरा ईश्वर का गुणगान करते हैं, लेकिन इंद्र नील मणि महाचषक था सोम रहित उल्टा लटका। अब उसको देखने के बाद वो लिखते हैं, आज पवन मृदु सांस ले रहा जैसे बीत गया हो खटका। तो वंश नहीं चल रहा था, वो उनके भीतर दब रहा। तो हमारी समझ से ये अपनी भाभी को समझाने के लिए कि जैसे कोलाहल सोया हो शीतल जड़ता सा शांत, माने बच्चे होंगे कोलाहल होगा अभी शांत बैठा। तो ये नाम कैसे मिला इस परिवार को? ऐसा है कि जब वहां से खांडसारी का मिल उल सब तोड़ताड़ दिए अंग्रेजों ने, तो ये आकर के यहाँ टेढ़ी नीम में शिवाला बनाए। अभी है वो शिवाला टेढ़ी नीम में, और वहाँ पर एक दुकान की है जिसमें सुंगनी मैं नस्वार जो सुंगा जाता है। अच्छे 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 अच्छे, हाँ सुनते हैं, उसका उन्होंने कारोबार शुरू किया। और उस वक्त बीड़ी सिगरेट नहीं रही, जो वहाँ का बाई प्रोडक्ट होता रहा चीनी का जूसी जिसको बोलते हैं, उसमें तंबाकू मिला करके वो हुक्का तंबाकू बनाया। तब तो बीड़ी सिगरेट नहीं रहा, अब वो हुक्का तंबाकू खूब बिकने लगा इनका। तब वो जो सुंगनी बनाए नस्वार, उससे उनका नाम सुंगनी का हुआ। अच्छा, मतलब इतना अच्छा व्यापार चला हुआ। और जो ये मकान है अपना, ये कब बना था, कब किसके द्वारा बनवाया गया था? ये उनके ग्रैंडफादर के द्वारा, सोनी साहू के द्वारा ये मंदिर ये मकान बना। इसका मतलब परिवार में भगवान शंकर की पूजा की प्रार्थना का रहा होगा संस्कार, तभी उनका नाम जयशंकर पड़ा। तो जयशंकर प्रसाद जी अपना रचना कर्म करते थे, वो कहाँ बैठ के करते थे? ऐसा है, जब उनको जोम में आ गया तो गुलाब केवड़ा हिना भी मिला रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, कामायनी के मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है, जोम में आ गया लिखते गए। वो बैठ करके सोच करके नहीं लिखते रहे, वो जब आया मन में भीतर वो तब उसको अभिव्यक्त कर देते। और बाकी आपने सुना हो उनकी दिनचर्या किस तरह की रहती थी? बहुत सारे लोग तो मिलने आते ही थे। हाँ, उस वक्त के देखिए, सुबह 8 बजे बाहर, पहले खुला नहीं रहा मकान रहा, तो बाहर चारपाई में बैठ कर 2 घंटा तो वो मालिश कराते रहे चमेली के तेल में, तिल्ली के तेल, चमेली के तेल से उनकी मालिश होती। और मालिश करता कौन था? मालिश गंगा राम करके थोड़ा। अच्छा नाउ अच्छा, तो उसके बाद फिर भोजन, उसके बाद मालिश कराने के 1 घंटा बाद अपने कारखाने में काम देखते उठते हैं, फिर उसके 1 घंटा भर बाद नहाते हैं। तब 12 बजे करीब वो खाना खाते रहे दोपहर, 12-1 बजे दोपहर को खाना था। फिर उसके बाद देखिए, एक बात मैं बताऊं, सबसे बड़ी चीज है ये मंदिर जो है बहुत जागृत है। Nobody can imagine, बाहर के लोगों को उसमें नहीं, केवल हम लोग परिवार का है, लेकिन बहुत जागृत मंदिर, अद्भुत मंदिर है, जिसको I have no word to express। सच में हम भी जब वहाँ पे बैठे मंदिर के अहाते में या सामने उसके, हमारा भी मन ऐसा था कि यहाँ से उठे ही ना। वो तो ये था कि भीतर आपसे मिलना था, नहीं कुछ देर हम वहीं बैठे रहे। वो अद्भुत है, वो माने वो बनाए हैं,
पूर्वज जो बनाए हैं अपने संतान के कल्याण के लिए, एक वक्त ऐसा रहा कि संतति विहीन हो गया, लेकिन हमारी बड़ी दादी माने प्रसाद जी के बड़े भाई की पत्नी वो 1964 में मरी और 1980 में हमारी दादी उन लोगों का जो 24 घंटा वो नमः शिवाय जप करती है। अब मैंने वो जीवन उनका तप रहा, बच्चों के लिए बना, माने मेरे पास शब्द नहीं है उनके त्याग तपस्या को व्यक्त करने जी। अच्छा, तो यहाँ पर आपने जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो चीजें इस्तेमाल की गई उनका कोई संग्रहालय वगैरह भी कुछ ऐसा तैयार किया? वो मैटर जो है केस में चला गया, हमारे भाई साहब इधर उधर किए हैं। अच्छा, हमारे छोटे भाई साहब आनंद शंकर और उनके लड़के एक और भाई साहब है वो एक। अच्छा, वो कुछ परिवार का एक मुद्दा है। वो मैटर ना खैर चलता रहता है, वो तो सामान्य बात है, हो जाता है। अच्छा, कुछ और बताएं कि आपका जो परिवार है तो किस तरह से वो जयशंकर प्रसाद जी को याद करता है, कैसा लगता है उनको याद करते हुए? 24 घंटा याद करते हैं। हमारी दादी जो बड़ी दादी रही उन्होंने जयशंकर प्रसाद का 3 विवाह किया। पहला विवाह वो विडो हो गई 1907 में, उसके बाद जो कर्मठ था उनका रहा, क्योंकि वो औरत रही इसलिए वो लाइमलाइट में नहीं आ पाई, लेकिन आज जो कुछ भी है जयशंकर प्रसाद या हमारे पिताजी अथवा हम लोग वो उन्हीं के त्याग तपस्या है। तो इसी वजह से शायद जो जयशंकर प्रसाद जी के जो नारी पात्र होते थे बड़े मजबूत होते थे। यही में देखिए कामायनी क्या है, उसकी हीरो नारी है। इसको उसकी हीरो नारी है। ये पुस्तक आप ले लिए ना, उसका फोटो, ये पुस्तक आप पढ़ेंगे ना तो पूरी जानकारी हो जाएगी। ये फर्स्ट एडिशन है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी के अंतिम दिनों के बारे में या अंतिम समय के बारे में कुछ बताएं, बीमार रहे कैसा रहा? हाँ, बीमार रहे उनके माने शायद हफ्ता 15 पहले उनकी वाणी लुप्त हो गई। वाणी से ध्वनि लुप्त हो गया, बोल नहीं पाते रहे, आवाज नहीं निकल पाती। और कितना उम्र थी उस वक्त प्रसाद जी की? कह तो दिया 47 साल 9 महीना 1 दिन। ओ क्या है, कमाल है, इतनी कम एज के अंदर भी। और ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य मतलब जयशंकर प्रसाद एक पूरा का पूरा युग है अपने आप में। हम ऐसा है, दादी प्रसाद जी का विवाह की, पिताजी का विवाह की, हमारी एक बहन का विवाह की और फिर हम दो भाइयों का एक साथ विवाह की। कानपुर में है हमारी ससुराल मुरब्बा भंडार, वो बड़े उद्योगपति। तो क्या तारीख थी जब प्रसाद जी पूरे हुए, फिर संस्कार कहाँ, यहीं घाट पे गए ही होंगे? हाँ। तो कौन से, हरिश्चंद्र घाट पे गए या दूसरा? हरिश्चंद्र घाट पे हुआ संस्कार। तो क्या तारीख था उस दिन? 15 नवंबर 1937। जी जी, देखिए वो भोर में 4:15 पैदा हुए। अच्छा। अब भोर में 4:15 उनकी उनका निधन हुआ, तो जो एक थोड़ा दिक्कत है 30 जनवरी 1890 इनका डेट ऑफ बर्थ, तो 30 जनवरी 12 बजे के बाद खत्म हो जाता है, वो 31 जनवरी होना चाहिए। अच्छा, जी जी जी।
ये तो बात है। हाँ, वो इसमें रहता है दिन का उसका जो है कि 12 की बात तारीख होगी, नया दिन आ गया तो पहले दिन में गिने या उस दिन में माने। जी जी, ये थोड़ा अच्छा। क्या जयशंकर प्रसाद जी कभी भगवान शंकर की भी आराधना करते रहे? हाँ। अच्छा, मंदिर में, मंदिर में तो पर वो तिलक वगैरह भी लगाते थे कभी? वो भस्म लगाते रहे। अच्छा, त्रिकोण ने तीन उंगली का है। अच्छा, उनको खाने में क्या शौक था? पान तो खैर सब खाते ही हैं बनारस में। देखिए, वो रोटी दाल, दाल जो उनकी बनती रही रहर और मूंग को मिलाकर थे, और चावल सब्जी कई प्रकार की जो होती है वो खाते रहे दोपहर को। फिर उठते रहे 3-4 बजे, तब एक गिलास बेदाने का रस, फिर शाम को 4-5 पूड़ी सब्जी, यही खाना था। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी सब सब मिलने वाले लोग आते रहे, मिलते रहे, बात करते रहे, तो जयशंकर प्रसाद जी के दिल के बहुत करीब कौन उनके दोस्त या आसपास? कृष्णदास, भारत कला भवन, उनके अंतरंग वही रहे। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रसाद जी के लिए प्रचारिणी सभा द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए था, कुछ नहीं हो रहा? नहीं हो। नागरिक देखिए, वो एक आंदोलन रहा, उस आंदोलन के तहत नागरिक प्रचारिणी सभा का चांपुदराजी लोगों ने बनाया, लेकिन उस वक्त हिंदी लिपि जैसे आजकल लिखा जाता नहीं रहा, उस वक्त हिंदी भी उर्दू लिपि में लिखा जाता था। वो तो वो नागरी प्रचारणी सभा हिंदी लिपि को पुष्ट करने के लिए, प्रचार करने के लिए सभा बना, और उनके समय में हिंदी का प्रचार हो गया, अपने सब कृति सभा को दिए हैं जो जामे में पढ़ते। अच्छा, तो आपको सबसे पसंदीदा कृति कौन सी है? कामायनी ही है आपकी भी सबसे? कामायनी सब कुछ है, और वो कंकाल और तितली उपन्यास। अच्छा, जिस तरह से शंकर प्रसाद जी के बहुत सारे मतलब कृतियों में एक नदी का वर्णन आता है, पानी का वर्णन आता है, एक गए युग का वर्णन आता है, तो पूरा पूरा काशी के घाटों से पूरी पूरी वो बिंब उठते होंगे उनके मन में। जाते रहे दशरथ मेरे घाट बनाने, रोज नहीं जब मूड हुआ तो जाते रहे, कोई चीज से बधे हुए नहीं रहे, केवल अपने चित्त से बधे रहे, अपने मन से बधे रहे, जब जो मन हुआ वो। और कोई और बात आप बताना चाहें, कहना चाहें? हमें तो बहुत ही इतना अच्छा लगा यहाँ पर आकर, ऐसा लगता है कि जैसे उसी व्यक्तित्व को हम साक्षात अपने चारों ओर पा रहे हों यहाँ पे। और क्या बताऊं, मैंने सब कुछ ले अपने में, मानव क्या विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है अपना विनाश करेगा।